हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू। सो यहाँ पे मेरे पास खूब सुंदर सुंदर दिखने वाली मैजिक बॉल्स, जिन्हें कि ऑर्बीज भी बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन मैजिक बॉल्स को लेंगे और माइक्रोवेव में कुक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्या हालत होती है। यकीन मानो मज़ा ही आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग स्कूल के टूथपेस्ट को भी कुक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या हालत होती है। और यही नहीं, यहाँ पे मेरे पास डेटॉल सोप भी है, इसे भी हम लोग माइक्रोवेव में कुक करेंगे और देखेंगे कि भाई इसकी क्या हालत हो जाएगी। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुक करने वाले हैं मैजिक बॉल्स को। तो ये मैजिक बॉल्स तैयार हैं माइक्रोवेव में जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और माइक्रोवेव करीब 5 मिनट तक चला था। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कितनी तेजी से चल रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। और करीब 5 मिनट बाद कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठहरिए, कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैजिक बॉल बहुत ही ज्यादा थी। तो इसमें से आधी मैं निकाल लेता हूँ, आधी से भी ज्यादा मैं निकाल लेता हूँ और इसमें थोड़ी ही मैजिक बॉल रखूंगा, करीब इतनी, और वापस से मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूंगा। अब देखना क्या कमाल होता है। ठीक है, और ये गई। तो देखो अभी क्या कमाल होता है। तो यहाँ पे मैजिक बॉल ब्लास्ट होने लगी और पूरे माइक्रोवेव के अंदर कचरा ही कचरा फैल गया। तो चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सब कचरा ही कचरा फैल गया, पूरा तहस नहस हो गया मेरा माइक्रोवेव, क्योंकि यहाँ पे जो मैजिक बॉल्स थे फटना चालू हो गए थे। तो ये देखो किस तरीके से पूरे माइक्रोवेव के अंदर फटे हुए मैजिक बॉल्स पड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हासिल हुआ है मैजिक बॉल्स का, ये देखो। तो जब ये कम मैजिक बॉल्स थे तो ये फटने लगे थे, और फटने के बाद कुछ ऐसे हो गए, बहुत ही देखने में बेहतरीन लग रहे, मानो कोई हीरा हो, मस्त लग रहा है ना। तो चलिए अब बारी है डेटॉल सोप की। तो अभी हम लोग इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। तो मैं इसे कटोरी में रख के ऑन रख दूंगा कुछ इस तरीके से। तो चले देखते हैं कि क्या होता है इस डेटॉल सोप का। और ये कुछ इस तरीके से फूल गया और बहुत ही ज्यादा धुआं माइक्रोवेव के अंदर फैल गया। ऊपर से देखो कितनी तेजी से निकल रहा है, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा है। थोड़ा धुआं शांत हो जाने देता हूं मैं, ये बहुत गर्म है। तो ये देखो हमारा डेटॉल सोप की क्या हालत हुई है, कुछ फूल गया है, कुछ काला पड़ गया। इसे उजाले में ले जाके देखते हैं। तो इसे लाते वक्त कटोरी गिर गई और टूट गई, मैंने कटोरी को क्या बोल दिया। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है माइक्रोवेव में कुक हो जाने के बाद, मानो कोई आइसक्रीम हो, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं, एक डेटॉल सोप है। और अभी इससे बहुत ही बेकार बदबू आ रही है, ये देखो। तो कुछ ऐसी हालत हुई डेटॉल सोप की। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको डेटॉल सोप कैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब बारी है कोलगेट टूथपेस्ट की। तो चले इसे भी रख देते हैं। मैं इसे कुछ इस तरीके से रखूंगा ताकि दिखे कि क्या होने वाला है अंदर। तो काफी समय तक चलने पर भी इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह यह है इसकी पैकिंग जो होती है शायद एल्युमिनियम की होती है अंदर से, इस वजह से माइक्रोवेव ने कोलगेट को ज्यादा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कोलगेट को निकालूंगा और कोलगेट को निकाल के पहले से बंद कर देता हूँ। हाँ, तो मैं इसमें से कोलगेट निकालूंगा
और थोड़ा सा कटोरी में भी निकाल लेता हूँ और अभी दोबारा से माइक्रोवेव में रखूँगा। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दो और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, फटाक से वीडियो को लाइक करो। और जब भी मैंने इसे वापस ओपन कटोरी में रख दिया तभी देखो कोलगेट किस तरीके से फदक फदक के, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे कोई शब्द समझ में नहीं आया। और ये देखो क्या हालत हो गई कोलगेट की, यहाँ पे रूम में पूरे मिंट की खुशबू फैल गई है और कोलगेट सूख के एकदम रबड़ जैसा हो गया है। ये देखो ये अजीब सा हो गया है ना कोलगेट। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताना कि आपको तीनों में से सबसे बेस्ट चीज कौन सी लगी, कोलगेट, साबुन या फिर मैजिक बॉल्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही।